डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एसआई मेंस का जो टॉपिक आ रहा है उसका इन्फॉर्मेशन। दो नंबर का टॉपिक आज शाम में ही अपलोड हो गया था और ये टेलीग्राम पे सबसे पहले आएगा, बल्कि टेलीग्राम पे ही आएगा। तो आप सभी टेलीग्राम पे आ जाइए। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, 33,000 स्टूडेंट्स हैं, कैसे नहीं मिलेगा? टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, लेकिन सही ढंग से लिखिए। जीएस मास्टर बहुत सारा नाम है, हमारा जीएस मास्टर स्मॉल लेटर्स में सब एक साथ लिखिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टॉपिक्स उस पर 6 बजे शाम के आसपास डेली आपको उपलब्ध होगा, 6 बजे शाम के आसपास। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो मैनेज कर लेना है। सो बी रेडी, ये टॉपिक्स कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपके फंस रहे होंगे तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, इसे अच्छे से कीजिए। आप 4-5-6 दिन बचा है, इसमें जो भी टॉपिक्स आएगा शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा। अगर इसे आपने कंप्लीट कर लिया, डेफिनेटली कुछ अच्छे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे और रिजल्ट एश्योर्ड हो जाएगा। साथ ही फॉर्म भरा जा रहा CGL3 का, BSSC का जो नई वैकेंसी आई है, शानदार वैकेंसी जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। 2 दिनों से आप भी फॉर्म भर रहे होंगे या भर चुके होंगे। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, हड़बड़ाना भी नहीं चाहिए। जब भी वैकेंसी आता है 2-3-4 दिन रुक जाइए ताकि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि आप फॉर्म अच्छे से भर पाए। लेकिन हम आपको रिमाइंडर देना चाहेंगे, हमारा अनुभव यहां पर है, बहुत लंबा अनुभव, हर साल कई 100 लड़के या लड़कियां छात्राएं हमारे पास इंफॉर्मेशन देती है, भेजती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, और बहुत सारे पश्चाताप करती हैं या करते हैं कि सर ये गलती हो गया, क्या मोबाइल नंबर हमने गलत डाल दिया, पिताजी के नाम के आगे अपना नाम डाल दिया, सिग्नेचर नहीं किया, या मार्क्स का परसेंटेज गलत डाल दिया। इस बार ऐसा मत कीजिए, फॉर्म भरते समय कोई हड़बड़ी नहीं। अगर किसी दूसरे से भरवा रहे हैं तो एक एक डेटा, जहां पर नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, स्कोर है आपके, मार्क्स का स्कोर है, टोटल परसेंटेज देना है, वो सारे डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर देना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब भर के जब आप सबमिट करें, सबमिट करने से पहले 2-3 बार देख लीजिए, इसमें टाइम लीजिए, कहां भागना है बताइए। इतना बड़ा एग्जाम जो सालों में आता है, एक शानदार वैकेंसी कितने साल के बाद आई है आपको पता होगा, कितने साल की ये वैकेंसी आई है। अच्छे से फॉर्म भरिए और 2 हार्ड कॉपी इसका निकाल कर रख लीजिए, और ऐसी जगह रखिए कि जहां पर आपको याद रहे। बेटर तो है कि एक फाइल हो, आपका एक फाइल होना चाहिए, उसमें रखिए। तो 2 हार्ड कॉपी रखिए, अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी हो, ये हार्ड कॉपी आपको आयोग को भेजना होता है कई बार, या इसका आप फोटो कॉपी करा के इसके डिटेल से आप आयोग को दिखा सकते हैं कि ये मिस्टेक हो गया है, या ये प्रॉब्लम है, या ये बात है, सर देख लीजिए। तो 2 हार्ड कॉपी सबसे पहले रखिए, और किसी एक के भरोसे फोन कह के फॉर्म मत भराइए, अपने साइबर कैफे वाले को या किसी फ्रेंड से फॉर्म ऐसे ही मत भरिए, वहां पर मौजूद रहिए और एक एक डेटा को अच्छे से भरिए। बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई, हमारा भी कोर्स चलेगा, हर बड़ाई मत, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमारा भी एसआई का एग्जाम हो जाने दीजिए, एक शानदार कोर्स चलेगा, CGL3 का भी, आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे, घर बैठे जहां पे भी आप हैं वहीं तैयारी कीजिए, इस गर्मी में इधर उधर नहीं जाना है, ये सब चलेगा। लेकिन हम फिर से याद दिला दें कि फॉर्म भरते समय आपको 25 बार सोचना है कि फाइनल सबमिट करने से पहले हमने सब कुछ, सारा डेटा सही सही भर लिया है, तब सेंड कीजिएगा, और हार्ड कॉपी जरूर 2-2 निकाल कर रखिए। साथ ही एसआई मेंस का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके टॉपिक्स डेली आ जाएंगे 6 बजे शाम के आसपास, इसे अच्छे से कीजिए। आप सभी पढ़ने वाले हैं, बहुत बहुत मेहनत करने वाले हैं, और बहुत अभावों में भी हैं बहुत सारे लोग, पैसे की कमी है, परेशानी है, घर की जिम्मेदारी है, इन सब की पूर्ति होगी एक अच्छे रिजल्ट से। और अच्छा रिजल्ट कैसे आता है, सारे लोग पढ़ रहे हैं, आपको भी रिजल्ट में आना है तो मेहनत बढ़ाना होगा, दिशा सही रखनी होगी, सोच पॉजिटिव रखना होगा, और नेवर से डाई, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, केवल और केवल करेंगे। तो डाई नहीं, केवल डू करना है, डू करना है। इस बार कोई चिंता मूवमेंट कीजिए और डू कीजिए, डाई नहीं, रिजल्ट निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, उनका तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा जिनके मन में बैठ चुका है कि हमें अपना रिजल्ट लेना है। क्या क्या